साथियों, समाज में आज एक ऐसा मुद्दा पैदा हो गया है कि जिससे निपटना सदियों से मुश्किल काम रहा है। आज वर्तमान में उसकी संख्या बढ़ती जा रही है और उसी विषय को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे साथी मुझसे पूछते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई फेक पीपल एंड हाउ टू अवॉइड देम, तो उसी विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बीइंग फेक इज सो कॉमन नाउ That being real is seen as offensive. आज लोग इतने ज्यादा फेक हो गए हैं कि अच्छे लोग मिलना बहुत कठिन कार्य हो गया है, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है, ऐसा कहते हैं क्रिस रोडेन। दूसरी बात, द मोस्ट डेंजरस क्रिएचर ऑन दिस अर्थ इज द फेक फ्रेंड। यदि इस दुनिया में कोई सबसे घातक आपके लिए क्रिएचर है, जीव जंतु प्राणी है, वह है आपका फेक फ्रेंड, क्योंकि वह आपको मुंह में राम बगल में छुरी जैसा व्यवहार सदैव करता है। कब कहां कैसे धोखा दे देगा आपको शायद पता भी नहीं चलेगा और आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसीलिए फेक फ्रेंड से बचना बहुत जरूरी है। फेक फ्रेंड की डेफिनेशन पैसे के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी होती है। एक हिंदी शायर ने बहुत अच्छी चीज लिखी है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। तो जब पैसा आपके पास है, बहुत सारे मित्र बन रहे हैं, तो दे आर नॉट एक्चुअली रियल फ्रेंड। वो क्योंकि आपके पास पैसा है तो पैसे से उनको लगाव है, आपसे लगाव नहीं है। सच्चा रिश्ता वही है जो किसी भी परिस्थिति में ना बदले, आपके साथ सड़ा खड़ा रहे। ऐसे एक और अच्छा शेर मैंने लिखा है, बुरे हालातों ने बहुत कुछ सिखाया है, अब जान पाया कि कौन अपना कौन पराया है। जब साथ छोड़ गए वो मतलब ही दोस्त, तब आंखों से विश्वास का पर्दा उठ पाया है। तो बहुत सारे लोग, जब आप पोजीशन पर होते हैं, जब आप पावर में होते हैं, जब आपके पास पैसा होता है, तो बहुत सारे लोग आपके दोस्त बनते हैं। लेकिन जब आप पोजीशन से हट जाते हैं, आपकी पावर खत्म हो जाती है, या आपका पैसा खत्म हो जाता है, या समाज में आपकी थोड़ी सी बिजनेस में कुछ लॉस हो जाता है, तो बहुत सारे लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फेक पीपल आर लाइक क्लाउड्स, When they disappear, the day is much brighter. जो फेक लोग हैं, झूठे लोग हैं, वो आपकी जिंदगी में एक बादल की तरह होते हैं। जैसे ही बादल हट जाता है तो सूर्य का प्रकाश फिर से इस प्रकृति को, इस धरा को सुहाना, चमकीला, स्नेह भरा बना देता है। इसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारे फेक लोग जगह घेर लेते हैं, हम उन्हें कैसे पहचाने और उनकी पहचान करके उनसे कैसे बचें, आज का मुद्दा हमारा ये है। तो सबसे पहली जो पहचान है वह है कि जेन्युइन पीपल हमेशा आपके साथ अच्छा और हेल्पफुल व्यवहार करते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में आपके साथ, दुर्दिन हो या अच्छे दिन हो, आप पावर में हो, आप पोजीशन में हो, आप किसी अच्छे ओहदे पर काम कर रहे हो, प्रतिष्ठित हो या साधारण लोग हो, सदैव एक सा व्यवहार करेंगे। लेकिन फेक पीपल, दे आर ओनली नाइस व्हेन दे हैव द हिडन एजेंडा। जब उनका अपना कोई मतलब है तो वो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, और जब उनका मतलब नहीं है तो पुराने हिंदी पिक्चर का गाना है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो फेक पीपल केवल मतलब से आपके साथ होते हैं, इसीलिए उनको जानना बहुत जरूरी है। फेक पीपल के चेहरे पर हमेशा हंसी रहती है, लेकिन अंदर से उनके मन में कुंठा रहती है। और फेक लोग दिखाने में, दिखावे में बहुत बिलीव करते हैं, जो रियलिटी नहीं होती है वो आपके सामने तरह तरीके से उसे परोसने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपकी उनकी रियलिटी को जानना बहुत आवश्यक है। दूसरी उनकी पहचान होती है, जेन्युइन पीपल हमेशा एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ओपनली। वो अपने मन की बात आपके साथ खुले में, कहीं भी, किन्हीं भी परिस्थितियों में आपके हित के लिए करेंगे।
लेकिन जो फेक पीपल हैं वो हमेशा गॉसिप करेंगे, हमेशा रोजी पिक्चर दिखाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और दुख दर्द जब आपके पास होगा तो नजर नहीं आएंगे। इसीलिए वो ज्यादा गॉसिप में बिलीव करते हैं हमेशा। फेक फ्रेंड्स विल बिलीव द गॉसिप अबाउट यू, बट रियल फ्रेंड्स नो बेटर एंड स्टैंड अप फॉर यू। तो जो फेक पीपल हैं वो हमेशा गॉसिप में बिलीव करते हैं, और जो अच्छे हैं वो आपके साथ खड़े होंगे जब आपको उनकी जरूरत है, या कोई दूसरा आपकी बुराई कर रहा है तो वो कहते हैं ऐसा नहीं, दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। तो इसीलिए हम सबको भी इन चीजों को जानने की, समझने की, परखने की आवश्यकता, अपने जीवन में फेक लोगों को दूर रखने की जरूरत है। नंबर नेक्स्ट जो पहचान है, जेन्युइन पीपल डोंट ब्रैग, और फेक पीपल हमेशा शो ऑफ करते हैं। हमेशा आपको चमकदार कपड़ों में मिलेंगे, हमेशा बड़ी गाड़ी लेकर मिलेंगे, बड़ी पार्टियों में मिलेंगे, बड़ी जगह की बातें करेंगे, बड़े बड़े लोगों से अपनी दोस्ती बताएंगे, जबकि वास्तव में होता कुछ नहीं है। तो वो हमेशा आपके सामने एक दिखावे की मुद्रा में बने रहते हैं। तो आपको उनसे जानना है और कैसे बचना है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो वो हमेशा दिखावे के माहौल में रहते हैं, आपको आराम से यह बात समझ में आ सकती है। नंबर नेक्स्ट है, जेन्युइन पीपल एडमायर अदर्स एंड ऑफन प्रेज अदर्स। जो अच्छे लोग होते हैं वो अक्सर दूसरों की तारीफ करते हैं, लेकिन जो फेक पीपल होते हैं वो दूसरों की हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, और उन्हें छोटा दिखाकर अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। आज वर्तमान राजनीति में यह बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, आज कॉरपोरेट में यह बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग दूसरे को छोटा, बॉस के सामने छोटा करते हैं ताकि खुद का साइज बड़ा दिखे। तो यह आज के प्रोफेशन में बहुत बड़ी विडंबना है, और हमेशा जो फेक पीपल हैं वो दूसरों को क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। नंबर नेक्स्ट है, जो आलोचना करना, भर्त्सना करना, निंदा करना, लोगों के मन को दुखाना, उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है। तो वो कोई ना कोई अपने तरकस से बाण निकाल कर इस तरह के फेंकते रहते हैं। अगला मुद्दा आता है, जेन्युइन लोग हमेशा, अच्छे लोग हमेशा सबकी रेस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने पावर से, पोजीशन से, उनके ओहदे से, उनके पैसे से, समाज में रुतबे से कोई मतलब नहीं है। दे रेस्पेक्ट एवरीवन एज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन फेक पीपल हमेशा उनकी रेस्पेक्ट करते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, या जिनके पास जो उन्हें चाहिए वो है। वो चाहे रूप हो सकता है, सौंदर्य हो सकता है, पैसा हो सकता है, पावर हो सकती है, सामर्थ्य हो सकती है, उनको जो चाहिए, जो उनको नजर आती है वो यदि उनके पास है तो वो उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी नहीं करते हैं। नंबर दूसरी बात जो फेक लोगों की है, फेक पीपल रेस्पेक्ट ओनली पीपल हु हैव पावर एंड आर वेरी सेलेक्टिव। दे आर ऑलवेज सेलेक्टिव अबाउट व्हाट डिजर्व्स रेस्पेक्ट एंड व्हाट डज नॉट, बेस्ड ऑन व्हाट दे पर्सनली गेन आउट ऑफ इट। वो केवल आपकी उस विधा की या उस वीकनेस की, दोनों बातें हैं, वो स्ट्रेंथ भी हो सकती है, वीकनेस भी हो सकती है, केवल उसकी रेस्पेक्ट करते हैं जो उनके काम आ सकती है। तो वो हमेशा आपको यूज एंड थ्रो की स्थिति में रखते हैं। इसलिए फेक लोगों से बचना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, दे डोंट ट्राई टू मेक पीपल लाइक देम। वो किसी को अपने जैसा बनाना या दूसरे जैसा बनना नहीं चाहते। जो जैसा है वो वैसा है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। लेकिन फेक लोगों का यह नहीं होता, वो हमेशा हंगर होते हैं, हंगर फॉर सक्सेस, हंगर फॉर पावर, हंगर फॉर मनी। वो हमेशा दूसरे लोगों के जैसा, दे ट्राई हार्ड टू मेक पीपल लाइक देम। या तो वो अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं अपने तौर तरीकों से, या हमेशा उन लोगों की कुछ कुछ चीज दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं जो उनके अपने हिसाब से रोल मॉडल बन जाते हैं। तो कुछ
कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों से बचा जाए। और ये लोग सदैव अपने मतलब से ही बात करते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि वो गले तो मिल रहे हैं, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है, लेकिन उनकी अटेंशन कहीं और है। देयर फोकस इज समवेयर एल्स, दे आर नॉट फोकसिंग देयर फ्रेंड। तो उनका फोकस हमेशा अपने उद्देश्य पर होता है। अगली पहचान जो बहुत जरूरी है, अच्छे लोग दे ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट टू लिव अप देयर प्रोमिसेस। जो एक बार उन्होंने प्रॉमिस कर दिया फिर उसको पूरा करते हैं। जैसे रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श आप सब जानते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने सीधा कहा कि मेरे पिता ने, राजा दशरथ ने जो मर्यादा सेट की है कि मेरे प्राण जा सकते हैं लेकिन मैं अपने वचन को नहीं लौटूंगा। लेकिन जो फेक लोग हैं वो अपने कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, उसे हमेशा तोड़ देते हैं। कभी अपने कमिटमेंट को कमिट के कहते हैं कि ये तो मेरा जुमला था, ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, ये तो केवल परिस्थिति के सिचुएशन को निकालने की बात थी। तो ऑलवेज मेक सम सेलेक्टिव वर्ड्स फॉर देयर सेफ्टी। इसका एक कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। फेक पीपल्स फेक प्रोमिसेस, वो हमेशा गलत ही बात करते हैं, केवल अपना काम निकालते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं। वो हमेशा लोगों को दिखाते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं। आज बिजनेस में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो गई है। जो आज की फेक प्रोडक्ट की परंपरा आई है वो फेक पीपल के कारण आई है। वो प्रोडक्ट डिजिटल मीडिया पर या सोशल मीडिया पर दिखाते कुछ हैं लेकिन जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ। वो फेक पीपलों की जो नेचर है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए समाज में आज की डेट में आपके अकाउंट से, फेक आवाज़ से, फेक फोन कॉल से कब पैसा आपका डेबिट हो जाएगा कोई नहीं जानता, आपके अकाउंट को कब खाली कर दिया जाएगा कोई नहीं जानता, कहाँ आपके जीवन में आपको आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हानि पहुंचाती जाएगी कोई नहीं जानता। नेक्स्ट है जेन्युइन पीपल आर नॉट अटेंशन सीकर्स। उनको किसी की अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है, वो जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन फेक पीपल हमेशा डेस्परेट फॉर अटेंशन, उनको लगता है कि लोग मुझे देखें। आज फिल्मों में जो हीरोइन कब कपड़े पहनती हैं उसके पीछे मान्यता यही है कि हाउ टू अट्रैक्ट द क्राउड, लोग कैसे कम लोग हमें देखें। आज जो अपना एड की दुनिया है, जो एड का फंडा है वो यही है कि मैं सत्यता से कितनी दूर फेक न्यूज दे करके या फेक बात करके अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ा सकता हूँ। आज यदि आप देखेंगे जितने प्रोडक्ट का एड आता है उनकी रियल वैल्यू वो नहीं होती जो प्रोडक्ट के एड में बताई जाती है। तो वो हमेशा अटेंशन सीकर्स होते हैं, अपनी ओर अटेंशन लोगों की खींचते रहते हैं। इसका मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। आई डिड नॉट मीन टू पुश योर बटन्स, आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर म्यूट। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन माई लाइफ। कुछ लोगों को कहते हैं जरा ये बंद कर दो लेकिन वो उनके पीछे उनका अल्टीरियर मोटिव कुछ और होता है। इसीलिए हम सबको जो फेक पीपल हैं उनके अल्टीरियर मोटिव्स को समझना बहुत आवश्यक है। एवरी फेक पीपल हैव देयर अल्टीरियर मोटिव्स, उसके पीछे कुछ ना कुछ अपनी उसकी दूरगामी लक्ष्य होते हैं। लाभ कमाना होता है या अपने किसी लक्ष्य की पूर्ति करना होता है, इसीलिए वह आपके साथ केवल दोस्ती दिखाता है, वास्तव में दोस्त होता नहीं है। ऐसे उदाहरण हमारी हिस्ट्री में बहुत हैं, वर्तमान में बहुत हैं, आए दिन आज सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमें उनसे बचना आवश्यक है। उनसे बचने के 12 तरीके हैं। सबसे पहला है लिमिट योर इंटरेक्शन विद द फेक पर्सन। आप जो फेक लोग हैं, झूठे लोग हैं, उनके साथ अपनी इंटरेक्शंस लिमिटेड कर दें। आप केवल उनसे उतनी ही बात करें जितनी की आवश्यकता है, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं है। नंबर 2, डू नॉट लेट देयर एनी
एनोइंग डिमोर गेट यू, तो जो आपको उनका अपना एक डिमोर है उसमें जाल में मत फंसिए, उससे हमेशा बच के रहिए। तो उनके मकड़ जाल से आप बाहर रहने की कोशिश कीजिए। डू नॉट स्टॉप डाउन टू देयर लेवल, आप उनके लेवल को भी कम मत करिए, जो जैसे हैं उनको एकांत में छोड़ दीजिए, उनको अपना काम करते रहने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। नंबर 4 है अवॉइड शेयरिंग योर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड सीक्रेट्स, भूल से भी कभी भी कोई अपनी समस्या उन्हें मत बताइए और अपने पर्सनल सीक्रेट तो जाने अनजाने उनको हवा भी मत लगने दीजिए, अन्यथा वह उसी मौके का फायदा उठा लेते हैं। नंबर 5 है माइंड योर ओन बिजनेस, ऐसे लोगों के साथ केवल आप अपने काम की बात करें, जितना उनसे बिजनेस है काम करें, नहीं तो या तो छोड़कर चले आए या बात करना बंद कर दें। कीप योर माउथ मम, चुप बैठ। नंबर 6 है मीट न्यू पीपल, आप अच्छे लोगों से मिलते रहिए, तो फेक लोग जो हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, उन्हें छोड़ दीजिए, लीव देम, अच्छे रिसोर्स खोजते रहिए। नंबर 7, यदि आपके पास अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हीं से साथ चला काम चलाना, तो कन्फ्रंट विद देम, उनको कहिए कि आप गलत कर रहे हैं। यू गिव द फीडबैक टू देम, इफ दे आर नॉट एबल टू इम्प्रूव देन यू हैव टू फाइंड अदर वेज, अदरवाइज एक बार ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए, कन्फ्रंट कीजिए। नंबर 8 है नॉट एवरी वन यू लूज इज ए लॉस, यदि ऐसे लोगों को आप छोड़ देंगे तो कोई आपको जीवन में लॉस नहीं होगा, कोई एक व्यक्ति छूट जाने से कोई आपके जीवन में बदलाव बहुत बड़ा होने वाला नहीं है। आसमान में एक तारा टूट जाने से आसमान तारों से खाली नहीं हो जाता, उपवन में से एक फूल तोड़ने से बगिया के फूल खत्म नहीं हो जाते, अगले रात फिर उतने ही आते हैं। तो अच्छे लोगों को ढूंढिए, बुरे लोगों को छोड़ते जाइए। ऑफर देम हेल्प, आप अपनी तरफ से उनकी सहायता करने की कोशिश कीजिए, ऐसा क्यों करते हैं, क्या समस्याएं हैं, मैं आपकी समस्याओं में आपके काम कैसे आ सकता हूँ, कैसे मदद कर सकता हूँ, तो ये आप उन्हें ऑफर करते रहिए। नंबर 10 है ऑलवेज रिमेंबर दैट इट्स नॉट अबाउट यू, हमेशा ये याद रखिए कि वो केवल आप ही के साथ नहीं कर रहे हैं, वो जहां मौका लगता है दे आर हैबिचुअल, तो वो हमेशा उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। फोकस ऑन मोर अपलिफ्टिंग थिंग्स, आप अपनी तरफ से अच्छी चीजों को आगे उठाने की, ऊपर लाने की बात कीजिए, वो यदि नहीं सुधरते हैं तो ऑटोमेटिकली वो साइड होते चले जाएंगे, यदि आप ऊपर के जो 10 रूल मैंने आपको बताए उन्हें फॉलो करेंगे तो। नंबर 12, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इग्नोर देयर वर्ड्स एंड ट्यून देम आउट, आप उनके शब्दों पर ध्यान मत दीजिए और उनकी भाषा का, उनके बॉडी लैंग्वेज का से धीरे धीरे उनको बाहर करते चले जाइए, अपने जीवन में उनको स्पेस बिल्कुल मत दीजिए, तो स्लोली स्लोली वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। जैसे ऐसे लोगों को पता चलता है ये लोग बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, बहुत डरपोक होते हैं, जैसे इन्हें पता चलता है ये स्वयं ही आपके साथ से हट जाएंगे। तो आज के वीडियो में कैसे फेक लोगों को जाने और कैसे उनसे बचें, हमने आपके साथ कोशिश की है। आपको यदि यह मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भेजिए, ताकि वह इन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे फेक लोगों से, फेक प्रोडक्ट खरीदने से, फेक अपने अकाउंट में एंट्रीज आने से बच सकें और एक अच्छे समाज का हम सब मिलकर निर्माण कर सकें।